और क्लास नाइन्थ से टेंथ में आप लोग आ गए हैं तो डेफ़िनेटली आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे यार सिलेबस कब तक करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से करेंगे पी वाई क्यूज करने हैं कि नहीं करने हैं एम सी क्यू कहाँ से करेंगे यार पेपर बोर्ड एग्जाम हार्ड आएगा सिंपल आएगा हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करना है पहली बार बोर्ड एग्जाम देना है वह तो मतलब बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं जैसे टेंथ में एंट्री होती है पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं बेटा पढ़ाई कैसे लिए टेंथ है देखेंगे कितने नंबर आएंगे कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे बेटा इस बार नाइनटी नाइन परसेंट ला दोगे तो एक गाड़ी मिल जाएगी मतलब तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो मैंने सोचा है कि आपको एक रोड मैप दिखा दूँ कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए तो रोड मैप करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि क्लास टेंथ के मैथ्स में अगर बात करूँ कितने चैप्टर्स हैं क्या क्या यूनिट हैं तो अगर यूनिट की बात करें तो यार जो यूनिट होता है उसमें एक चैप्टर भी हो सकता है दो भी तीन भी चार भी डिपेंड करता है कितनी बड़ी वो यूनिट है तो अगर आप देखोगे क्लास टेंथ में तो अगर मैं बात करूँ क्लास टेंथ में तो आपके टोटल सेवन यूनिट्स से, हैं कितनी यूनिट है सेवन जिसमें फर्स्ट यूनिट आप देख पा रहे हो नंबर सिस्टम है सेकंड एलजैब्रा है थर्ड कोर्डनी ज्योमेट्री है फोर्थ आपका ज्योमेट्री है फिर ट्रिग्नोमेट्री है है स्टेटस एंड प्रोबेबिलिटी है इस तरीके से टोटल सेवन यूनिट्स में अगर हम बात करें तो ये मार्किंग स्कीम इसकी सिक्स मार्क्स में ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन ट्वेल्व टेन इलेवन टोटल एट्टी मार्क्स का पेपर आपका होगा बोर्ड एग्जाम का जिसमें ट्वेंटी मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं अब बात करते हैं एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं तो आप बात करें यूनिट वन की जो कि नंबर सिस्टम है जिसमें आपका रियल नंबर रियल नंबर हमारा जो पहला चैप्टर है ठीक है वो कोर्स में मैं बता भी देता हूँ ये चैप्टर नंबर वन है ठीक है आप चाहो तो एन निकाल के रख लो जिससे आप चेक भी कर सकते हो अच्छा ये चैप्टर वन हमारा और लिख लो उसमें कि भैया ये यूनिट इन, वन में आता है ठीक है तो आपको पता रहेगा ना कि कितने नंबर का आएगा तो यूनिट टू हमारा एलजैबरा जिसमें हमारे चार चैप्टर्स कवर होते हैं पॉलिन यानी चैप्टर टू है आपका एन से पी ऑफ ऑफ इक्वेशन चैप्टर थ्री है क्वार्टिक हमारा चैप्टर फोर है ठीक है और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कवर होता है जो कि चैप्टर नंबर फाइव है तो ये एल्जैबरा में कवर हो गया फिर हमारी यूनिट थर्ड आती है जिसका नाम है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉर्डनी ज्योमेट्री हमारा एन में चैप्टर नंबर सेवन है सिक्स नहीं है मतलब फाइव का सेवन आ गया और ज्योमेट्री में हमारा ट्राइंगल आ रहा है और सर्किल आ रहा है तो ट्राइंगल हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है और सर्किल हमारा चैप्टर नंबर टेन है फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो हमारा एट्थ चैप्टर है ठीक है और अगर हम देखें तो चैप्टर एट अच्छा इससे कन्फ्यूज मत होना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये भी चैप्टर एट का ही पार्ट है और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना तो आप बुक में देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा रहता है क्या लिखा रहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो कन्फ्यूज मत होना हाइट एंड डिस्टेंस कहीं लिख दे तो समझ जाना कि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है और ये चैप्टर नंबर नाइन है हमारे एनसीईआरटी में तो ये पूरा फिफ्थ यूनिट में कवर हो जाता है इसके बाद हमारी सिक्स यूनिट आती है जिसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं एक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल ठीक है और एक है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमारा चैप्टर ट्वेल्व है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर थर्टीन और इसके बाद लास्ट यूनिट हमारी सेवन्थ यूनिट है जिसमें स्टेट्स है फोर्टीन चैप्टर और हमारा प्रॉब्लिटी चैप्टर नंबर फिफ्टीन अब आप लोग एन से ये सब चीज़ें तो देख ही रहे होंगे साथ के साथ ठीक है कि भाई ये चैप्टर हमारे इस यूनिट में आते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि यार आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए मतलब पूरे साल के भाई किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो यह सबसे पहले देखो आपको सब लोग बोलता है एन भाई एन की बुक है स्कूल में भी चलेगी सब जगह तो सबसे पहले आप एन सी आर टू को फॉलो करें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें अब जाहिर सी बात है आपने बचपन से देखा है जब भी आप स्कूल वाली बुक करते हो साथ के साथ एक रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ठीक है आप रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो तो आप वो कर सकते हैं लेकिन अगर मान लो आप रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करना चाहते हो और तो मैंने क्या किया है कि आपके लिए पी वाई क्यूस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको क्या बोलते हैं पी वाई क्यूज को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ठीक है और एंड एम्स क्यूस आपको पता है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन फंसते हैं इस बार अगर बोर्ड एग्जाम बच्चों ने ये पूछना कि जो अपने चैनल से पढ़ाई करके गए कितना अच्छा पेपर हुआ उनका क्योंकि मैंने पूरी पी वाई की सीरीज कंप्लीट कर दी थी पूरी और अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ मतलब अगर आप रेफरेंस बुक यूज नहीं कर रहे हो तो आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हो देखो कैसे करना है तो जो अपना चैनल है ना अगर आप अपने चैनल पर जाओगे क्लास टेंथ में ठीक है तो क्लास टेंथ की प्ले आपको मिल जाएगी एक प्ले में है क्लास टेंथ टॉपर्स प्ले ठीक है क्लास टेंथ टॉपर्स प्ले आपको मिल जाएगी ये हमारी क्लास टेंथ की टॉपर्स प्ले है जिसमें आप देख सकते हो मैथ्स पी वाई क्यूज ठीक है तो मैथ्स पी वाई क्यूज पर अगर आप क्लिक करते तो सारे चैप्टर्स के यानी कि हमारे जितने चैप्टर्स सिलेबस में हैं ठीक तो है तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हर चैप्टर का मिल जाएगा अच्छा हमारे चैप्टर सिलेबस में कौन सा चैप्टर ऐसा है जो बिल्कुल सिलेबस में नहीं है तो वो है चैप्टर इलेवन कंस्ट्रक्शन बाकी चैप्टर से रिलेटेड है अगर आप बोलोगे कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ डिलीटेड सिलेबस पे ठीक है जो कि अभी तक अभी लेटेस्ट आपके लिए नहीं आया लेकिन हाँ बुक में आ चुका है तो उससे मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ तो उसी के आसपास रहेगा थोड़ा बहुत और कम कर दें कल लगे हाँ मिनिमम उतना तो आपके लिए डिलीटेड है ही जो पिछले साल था तो वो आप बता देना कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डिलीटेड सिलेबस तो मैं बना दूंगा लेकिन हाँ ये मैं जिसकी बात कर रहा था कि हमारे पास जो प्लेलिस्ट है अगर आप इस पर देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर हैं अगर आप इसको कर लेते हो इसमें पीडीएफ भी अवेलेबल है अगर आप सेशन पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ अवेलेबल है क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो और दूसरा ऐसी एमसीक्यू सीरीज भी अवेलेबल है ऐसी आप चैप्टर वाइज इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं तो यार इतनी बढ़िया सीरीज आपके लिए बना रखी है अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कोई अच्छा कर लेना तो यार बढ़िया स्कोर उसका वैसे भी हो जाए ठीक है तो अब बात ये होगी कि रेफरेंस बुक कर लो अगर नहीं है तो भाई पी वाई क्यू एमसी ने करवाई रखे हैं इनको आप फॉलो कर लीजिए तभी बढ़िया हो जाएगा और फिर और आता है केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है स्कूल में आते हैं पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे नाइन्थ में भी तो इनके लिए क्या करें यार इनके लिए तो यार सिंपल है कि कुछ तो आपको मेरे वीडियोज चैनल पर मिल जाएंगे काफ़ी लेकिन अगर हमें और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो इसमें हम रेगुलर पंद्रह बीस दिन में मतलब कुछ वीडियोस आते रहेंगे टाइम टाइम पे ठीक है तो ये चीज़ है अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कि भाई पढ़ाई तो कर रहे हैं तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने तो वहाँ पे टेस्ट दीजिए क्योंकि आप पढ़ लेते हो उसके बाद पता कैसे चलेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो आप टेस्ट दीजिए वहां पर बाकी मैं भी आपको दो तीन महीने में आप पढ़ लीजिए रिवाइज रिवाइज कर लीजिए तीन चार चैप्टर निपट जाएंगे कुछ बच्चे छः चैप्टर निपटा देंगे तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए जुलाई में मैं आपके लिए जुलाई में कुछ टेस्ट लेके आऊँगा मैंटी कोई ये सब तो आप आराम से टेस्ट भी दे पाएंगे अब एक और पॉइंट आता है कि सर सिलेबस कब तक कर लें सिलेबस हम एंड कब तक करें तो मेरी डेडलाइन है आपको अक्टूबर एंड तक आप सिलेबस कंप्लीट करें अक्टूबर एंड तक अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो देखो मैं आपको बता दू क्यों करना है इसका भी एक रीजन है क्योंकि दिसंबर में आपका प्री बोर्ड होगा दिसंबर में क्या होगा आपका प्री बोर्ड होगा हर स्कूल में नवंबर के एंड दिसंबर में प्री बोर्ड होता है तो नवंबर में आपको रिवीजन भी तो करना होगा तो नवंबर में होगा रिवीजन दिसंबर में होगा प्री बोर्ड फिर जनवरी में थोड़ा टाइम मिलेगा फेब में आपका बोर्ड होगा ठीक है तो इस तरीके से चीजें होती हैं तो ये पूरी आपको एक ओवरव्यू मिल गया पूरे साल में हम क्या क्या चीजें करते हैं हमें कब कब क्या क्या करना है और कैसे कैसे करोगे और ये सब चीज़ें सही से फॉलो कर लिया आपने ठीक है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आपको बस यही करना है मतलब अपने आप को मतलब ये नहीं सोचना कि यार लोग प्रेशर बना रहे हैं कि यार बोर्ड में एग्जाम आ, आ गए कुछ नहीं एक नॉर्मल जैसे पढ़ाई करते हो उससे थोड़ा सा बूस्ट करना है और सही स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना है और इस चैनल पे जितना कंटेंट है टेंथ का मैथ्स का अगर आपने कर लिया ना रियल में आप टॉप कर जाओगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सेशन स्कोर करोगे बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो तक तो अपना तो ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो धन्यवाद